रूट्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंट रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ईआरसीबी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दूसरा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे, कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में। वो 13 जिले की योजना है, आपने जिक्र किया था दो बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गांवों के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले, उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, दो तीन बातों में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको पत्र लिखूंगा। राइट टू हेल्थ, एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए, बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, आरटीआई, आरटीई एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूंगा आप एक कानून, दो कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है, दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है, हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पार्जन करने के लिए। मैं चाहूंगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं, और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देशवासियों को। बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है, नेक्स्ट पूरा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक और नई जो आजकल उबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई, वो उनके लिए कोई धनी दूरी नहीं है, जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया 200 करोड़ का, एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे, बाकी जो इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी, और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों